आवेदन किया जाता है जिसे ये पता नहीं है कि प्याज का बीज लगाया जाता है या प्याज की पौध लगाई जाती है, उसको किसान सम्मेलन में बुलाए गए हैं। जिनको ये पता नहीं है कि गन्ने में से गुड़ निकलता है या गन्ने के पेड़ पे गुड़ टपकता है, उनको किसान सम्मेलन में बुला दिया गया वहां पर। इसी तरीका से यहां हो रहा है मुख्यमंत्री जी के सामने अच्छे बन करके कि हम सब लोग अच्छा करना जानते हैं, ऐसे लोगों को बुला रहे थे जिनको यही पता नहीं, जो अपने एक गमला में धनिया उगाते हैं और उसी में किसान का नाम लिख देते हैं, हमने किसान है, हमने घर पे धनिया उगा लिया। यही तो दुर्भाग्य हो रहा है देश का। एक अनुरोध ये है, हम लोग इश्यूज अगर आप उसमें सॉलिड तरीके से ये हो जाए, अभी हम बता देंगे किस किस के कहां कहां लगाए हैं, ये गलत है या नहीं है बता दो आप। नोएडा के रेटर नोएडा से पूछ ही पूछ रहा हूं, लेकिन यमुना भी उसी लाइन पर चल रही है। वीवो कंपनी में क्या हमें जाकर के एडिशनल साहब बैठे हैं यहाँ पे, इसी भी साहब बैठे हैं, क्या मुझे जाकर के यहाँ पे ओपो कंपनी ग्रेटर नोएडा में है और वीवो कंपनी है, क्या मुझे वहां जाकर तालाबंदी करके अपने बच्चे लगवाने चाहिए? नहीं, उससे अच्छा संदेश जाएगा क्षेत्र में। फिर ये कहते हैं कोई किसान आते हैं और ये फैक्ट्री वाले से डर के भाग जाते हैं, यहाँ पर फैक्ट्री नहीं चलती। हमने कहा भाई आप बुला करके उनसे कहो लोकल के बच्चे लगाओ, क्या गलत कहा था? नहीं जा सकते हम वहां पर, अगर हम यहाँ प्रशासन जो इनको बुलाते हैं अगर हम उनको 10 मिनट में बुलाने की क्षमता रखते हैं तो उसकी क्या औकात है उसे हम 5 मिनट के अंदर से बाहर से अंदर नहीं बुला लें, नहीं बुलाएंगे? एक की किसी कान पर जू चली हो, ये भी थे उस मीटिंग में जो बोल रहे हैं और सीओ साहब भी थे नरेंद्र भूषण जी भी, जब मीटिंग हुई थी आप थे, मैंने रोजगार के ऊपर बात करी, उन्होंने कहा थोड़ा समय दे तो हम सारी जितनी भी इंडस्ट्री है सबसे हम ये रिकॉर्ड मंगा लेते हैं तो यहाँ कितने कितने लोकल के बच्चे लगा रखे हैं आज तक कुछ लाए? एक बता दो तो वीवो में कितने लोकल के बच्चे लगा रखे हैं। ये स्थिति है कि अगर मैं गौतम बुद्ध नगर का हूं तो मुझे मथुरा का या आगरा का आईडी फर्जी बनवानी पड़ती है और फर्जी आईडी बनवा करके मैं आगरे की फर्जी से यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, आगरे का बन के मैं आ जाऊं मुझे नौकरी मिल जाएगी। क्या ये अच्छा संदेश जा रहा है? आप सब लोग कहते हो भाई आप दो तीन जो